भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सपनों को छलने का काम किया है। उसने प्रदेश की सीधी साधी जनता को दर्जनों लुभावने सपने दिखाए, सैकड़ों वादे किए, सत्ता हड़प ली और अब जिस जनता ने उसे सत्ता सौंपी उसी के साथ बर्बरता की सीमा लांघते हुए प्रदेश के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने इसके बाद कहा कि सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार जन संगठनों के विरोध प्रदर्शनों को, विपक्ष को, धार्मिक भावनाओं को, अभिव्यक्ति की आवाज को कुचल देना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा हरगिज होने नहीं देगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर यदि भूपेश सरकार ये काला आदेश वापस नहीं लेती है तो भाजपा हर जिला मुख्यालय में जमीन पर उतर कर आंदोलन करेगी। 16 मई को भाजपा जेल भरो आंदोलन करेगी। पत्रकार वार्ता पूर्व विधायक और भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल, जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल के साथ अन्य कई पदाधिकारी भी इसमें शामिल रहे। विगत 22 अप्रैल को छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक अघोषित इमरजेंसी के रूप में काला कानून जारी किया है, जिस कानून के माध्यम से कोई धरना प्रदर्शन या अपनी बात को नहीं रख पाएगा, अपने मौलिक अधिकारों को पूरा नहीं कर पाएगा, तो उसको हम लोग जो सरकार का काला कानून है उसको वापस लेने हेतु, उसको चेतावनी देने हेतु आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। सरकार यदि 15 दिवस में अपना ये कानून वापस नहीं लेती तो हम लोग पूरे प्रदेश में एक बड़ी संख्या में सभी जिला मुख्यालयों में अपनी गिरफ्तारी देंगे और इस कानून को तोड़ेंगे। आपने रॉलेट एक्ट से इसकी तुलना की? निश्चित रूप से 1919 में अंग्रेजों द्वारा जो उनका एक कमेटी का अध्यक्ष थे सर कनाडा रोलेट करके उनका नाम था, सिडनी रोलेट, और उन्होंने जो नियम बनाया था उसमें सेम ऐसे ही था कि कोई भी व्यक्ति उस समय आज़ादी की लड़ाई एकदम परवान पर था उसको कुचलने के लिए अंग्रेजों ने ये रोलेट की अध्यक्षता में ये बोला था, नियम निकाला था कि कोई व्यक्ति धरना नहीं कर सकता, आंदोलन नहीं कर सकता, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता, और उसी का परिणति थी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसके विरोध के समय ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ वो एक बड़ी संख्या में वहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और इसी रोलेट एक्ट की तुलना छत्तीसगढ़ में अभी जो सरकार ने धरना प्रदर्शन पर अपनी 19 कंडिका थोपकर जो आम जनता या कोई सरकारी संगठन पूरा नहीं कर सकता उसको दबाने के लिए काला कानून है, दोनों की नीति और नियत एक जैसा है। यदि सरकार आंदोलन के आपके 15 दिन के पश्चात भी नहीं मानती, ये अगर वो आंदोलन चलाएंगे कब तक चलेगा? नहीं, हम ये आंदोलन कोई लंबा नहीं करेंगे, हम पूरे छत्तीसगढ़ में 16 तारीख को हजारों हजार की संख्या में हम धरना प्रदर्शन बिना अनुमति का करेंगे और सरकार को चुनौती देंगे कि सरकार हमको गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, और हम इस नियम को तोड़ेंगे, क्योंकि ये जब अंग्रेजों ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नहीं रोक पाया, हमारे देशवासियों को नहीं रोक पाया, देश आज़ाद हुआ, तो ये कांग्रेस में इतनी दम नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को और छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़िया लोगों को रोक सके। अभी जैसा कि डॉक्टर जायसवाल अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया है बिना किसी अनुमति के, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे इस बारे में तो मालूम नहीं है कि अनुमति था कि नहीं था, परंतु आप लोग यदि कह रहे हैं कि अनुमति नहीं था तो निश्चित रूप से एक विधायक के रूप में चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो या खुद का कार्यक्रम हो, उन्होंने बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में कई जगह जन्मदिन मनाया, यदि अनुमति नहीं था तो